गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 24 जुलाई और दिन है मंडे का और यहाँ पे हो रहे हैं 11:10 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आधार कार्ड से पेड़ लेने। तो जो मनीषा देखी थी वो लगभग मेरे पेड़ सारे ही मर गए हैं, सिर्फ 2 पेड़ बचे हैं, बाकी सारे ही मर गए। तो जो गमले खाली हो गए हैं ना, वो जो मर गए हैं उन्हीं में लगा दूँगी मैं सेम डिट्टो पेड़ ला के। तो जा रही हूँ, इसी महीने मिलेंगे क्योंकि 30 तारीख तक, उसके बाद मिलेंगे नहीं। तो मैंने सोचा आज व्लॉग स्टार्ट कर ली थी, थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी। तो बगल वाली दीदी भी जा रही है मेरे साथ, वो उनका भी व्लॉग चैनल है और हम दोनों जा रहे हैं, मतलब तो आपको भी ले चलेंगे, है ना। तो मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ व्लॉग स्टार्ट, वरना आप बोलोगे झूठ बोल देती है, फ्री का नहीं लाती है, ये फलानी ढंगी है ना, इसलिए मैंने स्टार्ट कर लिया। और इधर की साइड ना सुबह मैं बब्बू को छोड़ने गई तो वहाँ भंडारा भी हो रहा था, तो आके हम जाएंगे भंडारे में। तो हस्बैंड ने तो यहीं खाना खा लिया है, मैंने बना दिया। तो आज इन्होंने, आज ये लोग ये गए नहीं है, मेरा मतलब है ये लोग लोग बोल रहे मेरा मतलब ये गए नहीं है क्योंकि समरसीबल की बात कर रहे हैं, समरसीबल लगवाना है, बोर करवाना है, तो इस वजह से ये यहीं पर है। तो मैंने कहा चलो मेरा भी काम कर दो, आप यहीं पर हो तो वो आएगा 1 बजे आएगा समरसीबल वाला, और एक आ चुका है, एक से बात कर ली है, 10 बजे आया था वो, और एक आएगा 1 बजे। तो मैंने कहा जब तक हम पेड़ ले आते हैं उसके बाद हम भंडारा खाने जाएंगे, उसके बाद वो ये बोर की बात भी कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा थोड़ा शूट करके दिखाऊंगी, इसकी फ़ोटो कॉपी करवा लेती हूँ। ये तुलिका का है, मेरे और मेरे हस्बैंड के, उससे तो पेड़ मैं ले आई हूँ, बस ये तुलिका का है। देखो इसमें कितनी एजिट लग रही है तुलिका, है ना। आधार कार्ड में ना खूबसूरत बंदा भी एवं आता है ना। चलो कोई बात नहीं, वैसे गोरी चिट्टी है वो, हमारे मतलब चारों में से वही सही लगती है, और इसमें देखो कैसी लग रही है। तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। सकल तो जी यहाँ से कराएंगे हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी। लीजिए फ़ोटो कॉपी करा ली और हम पहुंच गए नर्सरी। तो आप देख सकते हो टेम्पू भर भर के लोग यहाँ से पेड़ ले आते हैं। सरकारी है ना ये नर्सरी, तो सरकार की तरफ से फौजी वगैरह के लिए बहुत सारे प्लांट्स ये लोग देते हैं फ्री में। जैसे हर नर्सरी पर रहते हैं ना वैसे प्लांट नहीं है, ये सारे ज़मीन वाले हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का है, जामुन का लग रहा है मुझे तो, है ना, जामुन का ही। ये है हार सिंगार जट्रोफा। हाँ सबकी एक से 5 प्लांट, एक बुला रही है, 6 हो जाएंगे, 20 प्लांट हो गए। ये देखो चंपा, हार सिंगार भी नहीं दिया उन्होंने, लिखा है ना। हाँ बोगनविला की भी, बोगनविला की फाइनली एवरीवन हम लोग आ गए हैं और 12:30 हो रहे हैं। तो गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गई और मैं ले आई हूँ पेड़। तो वो दीदी और मेरे थे 20 पेड़, 10-10 थे ना, तो उन्होंने तो 3 ही पेड़ लिए हैं, बाकी 17 पेड़ मुझे दे दिए क्योंकि उनको बड़े बड़े नहीं चाहिए थे। वो सोच रही थी कि वैसे चाहिए, वैसे होंगे वहाँ पे मनी प्लांट सदाबहार ऐसे, लेकिन वहाँ पे ऐसे थे नहीं, वहाँ बड़े बड़े थे। तो दीदी बोली ये तो मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो, तो वो मैंने ले लिए। उन्होंने खाली 3 ही पेड़ लिए हैं, एक कड़ी पत्ता, एक जट्रोफा और एक पेरीलैंथस। तो बस
हम लोग आ गए हैं, अभी देखने जाते हैं हम भंडारा हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा होगा तो खाएंगे, नहीं हो रहा होगा तो फिर बब्बू को लेने जाऊंगी ना, तब जाऊंगी साथ में, है ना, क्योंकि अभी तो 12:30 हुए हैं, क्या पता है लेट शुरू हो। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, अब बारिश का टाइम है तो अब बारिश नहीं हो रही, और जुलाई शुरू भी नहीं हुई थी, जून में ही बारिश होने लगी थी एंड में, और अब नहीं हो रही बिल्कुल भी, चक्कर चक्कर से आ रहे, इतनी भयंकर वाली गर्मी है। फाइनली मिल गया मुझे भंडारा, आप लोग भी खा लीजिए, 2 प्लेट हम लोग ले आए हैं अपने अपने लिए, बहुत ही टेस्टी भंडारा है। तो खा के मैं आ गई हूँ, 3 पूड़ी ओनली खावी, जितना भंडारा भंडारा करो उतना खपता नहीं है, और 8 पूड़ी मैं लेके आ गई हूँ, 2 बार, एक बार हस्बैंड लेके गए लेने गए थे और एक बार मैं गई थी, तो वही हम तुल्ली और बब्बू के लिए ले आए, इसमें पूड़ी है, इसमें सब्जी है ना, क्योंकि उनको बड़ा पसंद है, अगर उनको पता चलता तो कहती मम्मी हमारे लिए नहीं लाए, फिर मुझे थोड़ी सी वो आती है दया, तो इसलिए मैं ले आई हूँ। ठीक है, भंडारा हो गया, पेड़ हो गए, और अब बचा है जवे तोड़ने थे, आज नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ, क्योंकि शाम को भी काम करना पड़ेगा बहुत सारा, प्लांट लगाने, तो और ज़्यादा थक जाऊँगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अब ना खाना बनाना ना कुछ करना, हस्बैंड के लिए बना दिया था, बच्चों के लिए मैं लेके आ गई हूँ, सोऊंगी थोड़ी देर, नींद तो आती नहीं है, पर 1 घंटे या 2 घंटे आराम करूँगी। तो गाइज हो गया आराम, वीडियो एडिट करके डालनी है और मैं भूल ही गई, अब मैं पहले वीडियो एडिट करूँगी उसके बाद रेस्ट करूँगी, बड़ा काम है, बड़ा काम। सो एवरीवन, तो नींद मुझे आई नहीं और मैं सोई नहीं, और मैं जवा तोड़ने लग गई, तो आपको दिखाती हूँ मैंने आज कितने जवा तोड़े हैं, टाइम तो कम ही मिला था आज, कल जितने तोड़ नहीं पाई, लेकिन दिखाती हूँ आपको। देखिए जो कल तोड़े थे मैंने, ये मैंने एक पन्नी में भर के रख दिए हैं, और सबसे उसके बाद आप ये वाले देखिए, ये देखिए, तो आप सोच रहे होगे ये तो एकदम गंदे गंदे से लग रहे हैं, और ये एकदम वाइट वाइट से लग रहे हैं, आपको दिखाऊं, ये देखो, तो ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता देती हूँ, तो आज मैंने जो तोड़े हैं वो आटे के तोड़े हैं, मैदे के नहीं तोड़े हैं, क्यों आटे के तोड़े हैं, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा जब आटे के ब्रेड हेल्दी हो सकते हैं तो जवे भी तो आटे के हेल्दी हो सकते हैं, तो मैंने लगाया दिमाग और मैंने फिर आटे के तोड़ डाले, तो इनको मैं बना के देखूँगी, टेस्ट सेम आया तो मैं तो आटे के ही तोड़ा करूँगी, क्योंकि जो ये मैदे के होते हैं उनमें हैवीपन ज़्यादा होता है, और आटे के हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले टेस्ट करके देखूँगी, बना के देखूँगी 1-2 दिन, उसके बाद ही फिर मैं आटे की ही तोड़ा करूँगी, मैदा मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुबह 6 बजे से बारिश आ रही है आज, और मज़ा आ गया, देखो प्लांट कितने खुश हो गए, और मैंने हम लोग नहा भी लिए, कपड़े भी धो लिए, और पानी है नहीं, और आपको दिखाती हूँ मैंने सारे पेड़ शिफ्ट कर दिए, जो जो मेरा पहले मर गया था ना, जो मनीष सलाई थी उनमें मैंने 2-2 शिफ्ट कर दिए, ये देखिए, और दिखाती हूँ, ये देखिए चंपा इसमें लगा दिया है, और एक चंपा इसमें लगा दिया है, और एक कड़ी पत्ता इसमें लगा दिया है, तो इसी तरह से मैंने एडजस्टमेंट कर दिए सारे प्लांट्स की, तो बारिश तो बिल्कुल बंद नहीं हो रही है, फ़ोन हो रहा है गीला, और मनी प्लांट देखिए मेरा कितना अब खुश हो रहा है, एकदम खिल गया, मस्त वाला है ना, ये देखिए मौसम दिखाती हूँ आपको, मौसम कैसा हो रहा है, एकदम मस्त वाला, बारिश आ रही है तेज वाली, और आज मैंने पूरी छत भी धो दी थी बारिश में नहाए थे आज हम चारों लोग, और मैंने छत भी धो दी थी, आपको गुड़हल के फूल दिखाती हूँ खिले, आज 4-4 फूल खिले, लेकिन ना बस बारिश के चक्कर में ये फूल, ये देखिए 1, 2, 3, 4 है ना, लेकिन बारिश के चक्कर में नीचे को लेट गए हैं, 4 फूल खिले थे आज मस्त वाले, तो जी सारे प्लांट जो नर्सरी से लाई थी वो मैंने शिफ्ट कर दिए, आपको दिखाई दिए, 2-4 रह गए होंगे वो इधर उधर शिफ्ट हुए पड़े हैं, तो नहीं दिखे होंगे तो बाद में दिखा दूंगी, और इसमें देखो ये वाली फुलवाड़ी मैंने उगाई थी, ये क्या बोलते हैं इसको,
कुछ तो बोलते हैं इसको, कॉस्कॉम बोलते हैं, कॉक्सकॉम है शायद। इसमें वेलवेट जैसा फ्लावर निकलता है, ये देखो ये जो कलर है ना बीच में पत्ती का, इसी तरह का बहुत सुंदर सा। और इसमें तुलसी माँ भी उगी है दो तीन, ये देखो ये तुलसी माँ है, ये सदाबहार भी उगा है एक दो, तो बड़े हो जाएंगे जब दिखाऊंगी। और ये मनी प्लांट है जो पाया था, अभी फूट रहा है अच्छे से, तो बाद में दिखाएंगे। ये कड़ी पत्ते हैं, दो कड़ी पत्ते यहाँ लगाए थे मैंने छोटे छोटे में, ठीक है ना। तो कैसे लगे आपको मेरे प्लांट? मैंने सोचा अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि एडिट करनी है, और परसों से मैंने कोई एंड भी नहीं किया, और बारिश तो सुबह से आ रही है। ये मेरे देखा छुई मुई का पेड़ बारिश में मुरझा गया है, ये देखिए। तो चलिए, फ़ोन बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये देखिए सामने का व्यू दिखाती हूँ आपको। तब तक के लिए ये देखो पानी देखो, बाय बाय, राधे राधे।